दोस्तों 1/2 दोस्तों ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, खंड नंबर चौथे पर पांचवे पर चलते हैं दोस्तों। पांचवा क्या दिया, पांचवा क्वेश्चन ए बराबर दिया दोस्तों माइनस का 1/25, ए बराबर माइनस का 1.25, डी बराबर क्या दिया दोस्तों, डी बराबर उसने दे रखा दोस्तों 0.25, ये दिया दोस्तों 0.25। तो यहां पे लगाएंगे प्रथम पद दिया दोस्तों माइनस का 1.25, दूसरा पद, दूसरा पद क्या दोस्तों, यहां से a प्लस के d, तो a का मान कितना माइनस के 1.25 प्लस, दूसरा पद क्या दोस्तों, d का मान क्या अपना दोस्तों 0.25। देखिए दोस्तों ये सवा पैसा है, नहीं 1 रुपए 25 पैसा है दोस्तों, और ये 25 पैसा है, जब 1 रुपए 25 पैसे में जब 25 पैसा जोड़ोगे तो 1.5 रुपया हो जाएगा दोस्तों। 1.5 को हम किस तरह से लिखते हैं 1.5 दोस्तों, समझ में ना आए तो इस तरीके से जोड़ लेना 1.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के इधर वाली संख्या इधर और इधर वाली संख्या उधर इधर। ठीक है दोस्तों, 0 यहाँ पे, 2.5 यहाँ पे, तो 0, 2, 2, 4, 5 और ये कितना 1 का दोस्तों ना आएगा दोस्तों, ये 0 लिखो या मत लिखो। तो तीसरे पद पे चलते हैं हम, तीसरा पद ठीक है दोस्तों, तीसरा पद कितना ए प्लस के 2d, ए वैसे ही है माइनस के 1.25 प्लस यहाँ पे कितना 2 वैसे ही गुणा यहाँ पे कितना डी का मान, डी का मान क्या दोस्तों अपना 2.5, नहीं यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा दोस्तों। तो यहाँ पे करते हैं माइनस का 1.25 प्लस इसकी गुणा कर लेंगे दोस्तों, ये होगी गुणा दोस्तों, पॉइंट क्या के बाद में 2 के बाद में, तो पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसे जोड़ लेंगे 1.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे दोस्तों, तो 5, 0 ये हो जाएगा, 0 लीजिए 5, 7 और कितना 1.75। तो दोस्तों जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे, क्या करेंगे दोस्तों घटाएंगे, क्योंकि निशान किस चीज का है, घटा का निशान है दोस्तों। तो यहाँ पे कितना जाएगा 0, 5 का 5 आ गया, 12 में 5 7 बच गए दोस्तों, और यहाँ पे कितना 75, पॉइंट के कितना बच गया दोस्तों माइनस के 0.75 बच जाएगा। चौथा पद, चौथा पद देखिए दोस्तों, चौथा पद क्या दोस्तों, चौथा पद यहां पर देख लीजिए, चौथा पद क्या दोस्तों, चौथा पद कितना a प्लस के 3d, तो a के स्थान पर माइनस के 1.25, यहां पर प्लस 3 × 0.25। ठीक दोस्तों, यहाँ पर माइनस के 1.25 प्लस के कितना 25 दिया होते हैं दोस्तों 75 दोस्तों, पॉइंट के बाद में दोस्तों 2 के बाद में यहाँ लगा देंगे दोस्तों। अब मैंने क्या बताया, जोड़ना बताया, माइनस का 1 और यहाँ पर कितना दोस्तों 0.25, यहाँ पर जोड़ को बता देता हूँ मान दोस्तों, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया 7, 5 उधर का उधर, इधर का उधर दोस्तों, यहाँ पे 0, 0 लगा दिया हमने, लगा चाहो तो नहीं तो मत लगाओ 0, ये घटेंगे दोस्तों, क्या होंगे ये भी घटेंगे दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे भी हमने गलती कर चुके हैं, यहाँ पे घटेंगे दोस्तों, क्योंकि निशान ये आगे माइनस का चल रहा है दोस्तों। देखिए तो यहाँ पे घटाएंगे तो 0, 0 आएगा, यहाँ से 1 में से कितने बच गए दोस्तों 7, 12 में से जब 7 गए तो 5 बच गए, यहाँ पे ये बच गया दोस्तों, कितना बच गया दोस्तों 0.05, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी हमने जोड़ दिए थे, जोड़ना नहीं है दोस्तों, घटाना, क्योंकि माइनस ऊपर आगे दिया दोस्तों इसने, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा पूरा दोस्तों 1 बच जाएगा, 1 रुपये पूरा भी। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं। तो इनके आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, यही हो जाएंगे, यहाँ पे घटा दिया तो हमने ये लिख दिया, तो यहाँ पे अतन डाल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी हमने क्या करा, घटाया था, फर्स्ट पद ये है, सेकंड पद ये है, ये लिख देते हैं हमने, कितना फर्स्ट पद माइनस का 1.25, दूसरा पद कितना दोस्तों 1, तीसरा पद क्या दोस्तों माइनस के 0.75, चौथा पद क्या दोस्तों, चौथा
माइनस के ही बचेगा दोस्तों, ये भी माइनस के ही बचेगा दोस्तों, और ये भी माइनस का दोस्तों, और यहां पे भी माइनस का ही बचेगा दोस्तों, माइनस का ही दोस्तों, माइनस के 0.50। ठीक है दोस्तों, ये आंसर जाएंगे इसके। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो चुकी है हमसे दोस्तों। यहाँ पर माइनस था दोस्तों, यहाँ पर माइनस था दोस्तों, हमने प्लस लगा कर करा दोस्तों यहाँ पर, मगर क्या था दोस्तों, माइनस था दोस्तों। दोस्तों वीडियो कुछ ज्यादा ही बड़ी हो चुकी है दोस्तों, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आप कर लेना दोस्तों, यहाँ पर प्लस माइनस लगा करके दोस्तों, माइनस क्वेश्चन क्या दोस्तों, ये है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये माइनस का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो तुम्हारा ये माइनस का हो जाएगा, और ये जुड़ने की बजाय, घटने की बजाय क्या हो जाएगा, जुड़ना हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि दोस्तों 1.75 हो जाएगा दोस्तों ये, और यहाँ पर कितना दोस्तों, यहाँ पे ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस, तो यहाँ पे भी ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1.75 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे क्या दोस्तों, यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे तो ये माइनस का ये भी जुड़ जाएगा दोस्तों, तो 1. कितना हो जाएगा दोस्तों, ये इसे हम जोड़ लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जोड़ेंगे जब 1.25 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7.5 जोड़ दीजिए इसमें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 10^0, 9^10, तो यहाँ पे 2 ये हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना दोस्तों, 2.00 ऐसा करके दोस्तों, तो क्वेश्चन इसके आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों, इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसके आंसर हो जाएंगे तुम्हारे, फर्स्ट पर तो माइनस का 1.25 दे रखा, कॉमा दूसरा वाला क्या दे रहा है दोस्तों, 1.75 हो जाएगा दोस्तों, तीसरा पद क्या जाएगा दोस्तों, माइनस के 7, तीसरा पद क्या जाएगा दोस्तों इसमें, यहाँ पर हो जाएगा 1 है दोस्तों, ये 1.75 तो हो गया अपना दोस्तों, चौथा पद, फर्स्ट पद ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा पद फर्स्ट ये हो गया, दूसरा पद 1.75 हो गया, और यहाँ पर दोस्तों इससे जब ये माइनस के 50 हो जाएगा दोस्तों, कितना है, 50 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये 75 हो गया, दूसरा हो गया दोस्तों 50 हो गया, यहाँ पर तीसरा 75 हो जाएगा, 200 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऐसा करके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।